नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। यदि आप दया के काम करते हो तो दया के काम करने पर राजा बनता है, और राजा जब बन जाता है तो नीतियाँ निर्धारित करता है, नीति बनाता है। नीति बनाने के आधार पर उनका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो समाज और देश के लोग उसका आकलन करते हैं कि वो जनहित और राष्ट्रहित में कितनी है। उनसे राजा को दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं मिलेंगी। दुआओं के आधार पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस जीवन मरण भौतिकवाद से दूर हो जाता है। और जब नीतियां ठीक नहीं होती, करैक्टर ठीक नहीं होता, वार्तालाप ठीक नहीं होता, दया भाव ठीक नहीं होता, तो उसको फिर दोबारा से इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आना पड़ता है अपने कर्म को भोगने के लिए। साथियों, दूसरा स्वर्ग और नरक यहीं पर है, कहीं और नहीं है। जिस घर के अंदर प्रतिदिन मार पिटाई होती है, अपशब्द अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, औलाद यदि अपने माता पिता का कहना नहीं मानती हैं या माता पिता के विमुख होकर के चलती हैं तो वहाँ पर साक्षात्कार नरक है। जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता और गुरु को सर्वोत्तम स्थान पर रखते हैं, पिता के बताए हुए अनुसार चलते हैं, माता की पूरी तवज्जो, दादा दादी नाना नानी की पूरी इज्जत करते हैं, वहाँ पर तेज आवाज में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, वह साक्षात्कार स्वर्ग है। साथियों, आपने देखा होगा जगह जगह पर बहुत सारे घरों में कोर्ट कचहरी के केस हो रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं, यौनाचार, व्याधिचार, अनाचार, रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, इस प्रकार की गंदगी में लोग घुस जाते हैं और वहाँ पर पूरा परिवार उसमें लिप्त हो जाता है, संलिप्त हो जाता है। साथियों, उसमें एक को पुलिस नहीं पकड़ती है, एक की बदनामी नहीं होती है, पूरे परिवार को समाज उसका बहिष्कार कर देता है। रिश्तेदारियों में वही उनकी रिश्तेदारी नहीं होती है। फलाना ऐसा है, फलाने के घर में ऐसा है, वहाँ अपनी बेटी को नहीं देना है, वहाँ अपने बेटे को नहीं ब्याहना है। साथी, समझो कि ये स्वर्ग है या नरक है। समझ में तो हमें आता है कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। थोड़े से लालच के बस हम अपने आप को बेच देते हैं। यदि हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए कि हमें जब पैदा हुए थे तो नंगे आए थे और मर के जाएंगे तो भी नंगे जाएंगे, जितनी भी दौलत है वो सब यहीं जोड़ी की जोड़ी रह जाएगी, हम किसके लिए कर रहे हैं? क्यों अपने जन्मों को हम खराब कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं हम? यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं, यदि हम सबसे प्यार से बोलते हैं, सबको हम इज्जत देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, मौन रहते हैं, तो भी ये हमारा एक सार्थक जीवन है। इससे भी हमारा जीवन स्वर्ग में हम व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी के अधिकार क्षेत्र में जाते हैं, अनायास किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, या किसी के घर मकान को हथियाने की कोशिश करते हैं, या हम किसी की प्रॉपर्टी पर नज़र रखते हैं, या किसी बहन बेटी पर हम गलत नज़र रखते हैं, हमें इन चीज़ों का कहीं ना कहीं पर भुगतान करना ही पड़ता है। और वो अवस्था जो आती है वो धर्म की अवस्था नहीं होती। उसमें कोई भी आदमी धर्म नहीं करता है, उसमें पाप ही करता है। और जब पाप होता है तो उसका फल आज नहीं तो कल, कर्मों का फल है, गीता कहती है। मैंने कह रहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यदि गलत सोच है, गलत मानसिकता है, गलत काम आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल फल तो मिलना है ना उसका। अब वो भुगतना किसने है? आपके कर्म है, आपको ही भुगतने पड़ेंगे, कोई और तो भुगतेगा नहीं। आपका बेटा बेटी, आपके चाचा ताऊ, आपके भैया भतीजे, वो तो सब दूर हो जाएंगे। वो यही कहते हैं कि आपने किया है आप जानो, क्यों किया था आप जानो। तो इसलिए साथियों, क्यों करते हो ऐसे कर्म? सदकर्म करो, सदाचार करो, सदव्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो, मीठा वाणी बोलो, कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। और कम खाना और गम खाना बहुत बड़ी बात है, इसमें ही हम सबका भला है, कल्याण है। साथियों, इन सब बातों के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सदकर्म करिए और सद्भाव रखिए, दया करुणा अपनाइए, बेरहम मी से कोई भी कार्य मत कीजिए, बेजुबान को मत
हिंसा कीजिए, आपस में भी हिंसा मत कीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। निश्चित तौर पर आपको सगुण मिलेगा, शांति मिलेगी, और जहाँ शांति होगी, मन में शांति है, वहाँ पर सारे सुख वहीं निवास करते हैं, लक्ष्मी का भी वहीं निवास होता है। और जहाँ अशांति होती है, जहाँ भौतिकवाद की चमक धमक की दुनिया में आप रम जाते हो, वहाँ सोचिएगा कि क्या होना है। कोशिश कीजिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए, उनको अच्छे बुरे के ज्ञान दीजिए, और पढ़ाई लिखाई पर उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।